मुंह में पिघलने वाली मिठाइयों को तो हर जगह पसंद किया जाता है। कुछ ऐसी ही सरल रेसिपी है गुलाब जामुन की। चाशनी बनाने के लिए 2.5 कप पानी उबाले, जिसमें लगभग 1.5 कप शक्कर मिलाए। हल्की खुशबू के लिए थोड़ा सा गुलाब जल भी मिलाए। इसे चिपचिपे होने तक उबाले। अगर यह आपको पतला लगे तो चिंता ना करें, यह ठंडा होते ही गाढ़ा हो जाएगा। लोई बनाने के लिए शुरुआत करें मिल्क पाउडर और मैदे से। इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी मिलाएं। अभी घी डालें। थोड़ा दूध डालकर लोई बनाना शुरू करें। बड़ी नरमी से लोई बनाएं। ज़्यादा देर तक गूंदने से जामुन कड़क बन सकते हैं। अब उंगलियों को थोड़ा सा घी लगाकर नरम गोले बनाना शुरू करें। ध्यान रहे इनमें कोई दरारें ना हो, नहीं तो तलते वक्त यह फट जाएंगे। इन्हें तलने के लिए घी या तेल को अच्छे से गर्म होने दें। जामुन डालने से पहले आंच को धीमी कर लें। इन्हें अच्छे तलने के लिए हल्के हाथों से इसे चलाते रहें। जब ये पक जाए तो इन्हें तुरंत गर्म चाशनी में डाल दें। यह मुश्किल मिठाई बन गई और भी आसान ग्लैमरस के मार्गदर्शन से। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया तो हमें अपना सुझाव ज़रूर दें। देखने के लिए शुक्रिया।